Dear students, as we have discussed different perspectives of poverty and inequality, in the first few modules, we have discussed who is poor. We have discussed how we can measure poverty. Then हमने ये discuss किया कि poverty का data हम कैसे collect कर सकते हैं. फिर हमने ये discuss किया कि poverty के factors कौन से हो सकते हैं, किस तरह हम reliable estimates हासिल कर सकते हैं. सेकेंड पोर्शन में कुछ मॉड्यूल्स हमने इस पे डिज़ाइन किए कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी, व्हाट इज़ बैड इन इनइक्वालिटी, कि क्यों हम इसको कहते हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. देन वी हैव डिस्कस्ड द मेजरमेंट ऑफ इनइक्वालिटी विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन लॉरेंस कर्व, कि लॉरेंस कर्व हमारी बेहतर क्यों है, क्यों लॉरेंस कर्व पे हम रिलाई करेंगे, क्यों हम जिनी कोएफिशिएंट पे रिलाई करेंगे, क्यों हम इसको एनालिसिस में यूज़ करेंगे, इसको पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करेंगे. और फिर हमने पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस किए कि इनइक्वालिटी जिस वक्त चेंज होती है, इसमें जो डायनामिक्स आते हैं, इसके बिहाइंड कौन सी थेरीज वर्क करती हैं, इसके बिहाइंड कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं. इसके बाद एक नए पैटर्न पे एक नई जो ब्यूटी है इसकी पावर्टी के कोर्स की, वो ये है कि इसमें हम पावर्टी प्रोफाइल्स डिस्कस करेंगे. हु इज पुअर नंबर वन, देन विच टाइप ऑफ पावर्टी they are facing. Number three, what are the factors? उसके behind कौन से factor चल रहे हैं? And number four, how we can overcome this? या हम poverty elevation कैसे कर सकते हैं? उसके लिए कौन क्या role play कर सकता है? लेकिन उस किसी भी individual के, किसी भी institution के, या किसी specific group के role में कि वो कैसे poverty elevation कर सकती है, उससे पहले ये important है कि हमें पता तो हो कि poverty किस type की है. रूरल में अर्बन से क्या डिफरेंट है, हिली एरिया में क्या प्लेन एरिया से डिफरेंट है, एजुकेटेड में क्या अनएजुकेटेड से डिफरेंट है, मेल में पावर्टी फीमेल से क्या डिफरेंट है, जो वर्कर हैं और जो वर्कर नहीं हैं उनमें डिफरेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं उनमें और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनमें इनइक्वालिटी क्या डिफरेंट है, क्या जिन लोगों में हेल्थ इश्यूज हैं उनकी इनइक्वालिटी और जो हेल्दी हैं उनमें इनइक्वालिटी या पावर्टी के नंबर्स क्या चेंज हो रहे हैं. इन सब को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक बहुत खूबसूरत टर्म यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं पावर्टी प्रोफाइल. कि पावर्टी प्रोफाइल में हम एक कंप्लीट पिक्चर देंगे हर पर्सपेक्टिव से कि किस किस किस्म की पावर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. और जब हम पावर्टी प्रोफाइल में जाते हैं तो उसमें हम जनरली पावर्टी को भी इनइक्वालिटी के साथ मर्ज कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसमें रोल प्ले कर सकते हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जियोग्राफी आता है, वेदर सम वन इज लिविंग इन रूरल एरिया या अर्बन एरिया. और पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो रूरल और अर्बन है इनइक्वालिटी में डिफरेंस होता है. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ प्रोविंसेस स्टेट्स या रीजन ऐसे होते हैं जहां पर रूरल एरिया में पॉवर्टी ज्यादा होती है अर्बन में कम होती है. लेकिन बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जहां पे अर्बन में इनइक्वालिटी एंड पावर्टी ज्यादा होती है, रूरल में कंपैरेटिवली कम. इसलिए इसको हम नंबर वन जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि पावर्टी क्या रूरल अर्बन में सेम है. देन हम इसको कम्युनिटी करेक्टरिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि वो कम्युनिटीज जहां पर एक्सेस टू स्कूल है उनमें पावर्टी इनइक्वालिटी कैसी है, और वो कम्युनिटी जहां पे एक्सेस टू स्कूल नहीं है वो कैसी है. फिर हम देखते हैं वो कम्युनिटीज those having access to health facilities उनमें poverty and inequality, and on the other hand वो communities those are unable to having the access of quality health services, उसमें क्या कोई difference आ रहा है. फिर हम देखते हैं access to water जिनके पास है और जिनके पास नहीं है क्या वो same है. access to employment की हम बात करते हैं, क्या वो same है या they are different. इसी तरह हम इसको देख सकते हैं कि फैमिली साइज पे क्या डिपेंड करती है. जिन फैमिलीज का साइज ज्यादा है क्या उनमें पावर्टी ज्यादा है, या जिनका साइज ज्यादा है उनमें पावर्टी कम है, किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या मेल फीमेल में कोई डिफरेंट है. जिन फैमिलीज का हेड मेल है उनमें पावर्टी ज्यादा तो नहीं, जिनका हेड फीमेल है उनमें पावर्टी ज्यादा तो नहीं. ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं जो हमें एक कंप्लीट पिक्चर देंगे कि पावर्टी प्रोफाइल है कैसा, ताकि हम मार्केट में इजीली इंटरवेंशन कर सकें कि हमने किसको एक्सेस करना है. और उसके लिए जिस वक्त हम पावर्टी प्रोफाइल की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक कंप्लीट रीजनल लेवल की इंफॉर्मेशन आ जाती है, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन आ सकती है,
जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन आ सकती है, यानी इसको जितने डिफरेंट परस्पेक्टिव, जितने डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सोसाइटल इश्यूज के साथ कर सकते हैं, कल्चरल इश्यूज के साथ कर सकते हैं, इवन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, कौन से लोग इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, कौन से एक्टिव नहीं हैं। कभी कभी हम इसको एक नॉर्मल और डिसेबल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी हम वर्किंग वीमेन और नॉन वर्किंग वीमेन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कभी कभी हम उन लोगों के साथ करते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी है और उनके साथ कंपेयर करते हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन हर कोई हमें एक हेल्प करता है कि हम किस तरह पॉवर्टी एलिगेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव होते हैं, और उसमें हमारे पास पॉवर्टी स्कोर कार्ड का क्राइटेरिया भी है और इंसिडेंस है विद रेफरेंस टू प्रोविंशियल या ओवरऑल पे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें 2010-11 का पाकिस्तान का डेटा है। हमने बात की थी शुरू में कि इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी जो है वो किधर मूव कर रहा है, और इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी में हमारे पास जिसको हम हेड काउंट रेशियो भी कहते हैं, हेड काउंट रेशियो ये बता रहा है कि पंजाब जो है इसमें 21% लोग पुअर हैं, सिंध जो है इसमें 44% है, केपी के 36% है, बलोचिस्तान 43%, गिलगित बल्तिस्तान 26%, इस्लामाबाद ओनली 9%, फाटा हाईएस्ट नंबर 56% एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इसमें ओनली 18% लोग पुअर हैं। अब ये आपको एक थोड़ी सी पिक्चर देगा कि अच्छा कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। यस, इट्स फाटा, जो ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। देन वी हैव नंबर वन इन फाटा, नंबर टू इज योर बलूचिस्तान। देन हम अगर थोड़ा सा आगे मूव करें, वी हैव द सिंध, देन केपीके, पंजाब, ये हमें एक रैंकिंग दे देता है। अच्छा किस एरिया पे आपने फोकस ज़्यादा करना है और किस एरिया पे फोकस नहीं करना। लाइक इस्लामाबाद में अगर ओनली 9% है तो ये बहुत सीवियर नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसे ये एक आपको ब्रॉडर पिक्चर देता है, लेकिन जिस वक्त हम थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग है। अब डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में आप इसी तरह, ये भी अगेन पॉवर्टी प्रोफाइल है, आप इसमें देख रहे हैं लीस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट, देन वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट, पुअर डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, वेरी पुअर डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं, देन एक्सट्रीमली पुअर डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं। अब इसको डिफरेंट तरीके, लीस्ट पुअर कौन सी हैं, वो कहता है ओनली सियालकोट विद 5%, सियालकोट में सिर्फ 5% लोग पुअर हैं, जेलम में 6% हैं, अटक में 6%, एबटाबाद में 7%, रावलपिंडी, बिम्बर, पूंछ एंड गुजरात ओनली 8.83। अच्छा एक्सट्रीमली पुअर कौन सी हैं, एक्सट्रीमली पुअर के लिए वो ये कहता है वी हैव नौशेरो, वी हैव दियामीर, वी हैव अपर दीर, नीलम, डेरा बुगटी, कच्ची एंड लाड़काना। ये आपके एरियाज हैं जो एक्सट्रीमली पुअर हैं, जहां पर आप सारा देख रहे हैं मोर देन 50% पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिर इसी तरह आप इसको वल्नरेबल में देख सकते हैं, कौन से वल्नरेबल हैं, बाग, मीरपुर, और इनको आप देख सकते हैं। देन इस पे आपको एक कंप्लीट, अगर डिटेल देखना चाहें तो हमारे पास एक कंप्लीट, ये यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट लॉन्च की हुई है जिसमें पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट का डेटा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट लीस्ट पुअर में आता है, कौन सा वल्नरेबल में है, कौन सा पुअर में है, वेरी पुअर में है एंड एक्सट्रीमली पुअर। ये लोग हैं, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हाउ वी कैन ओवरकम पॉवर्टी इन द एक्सट्रीमली पुअर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमें बहुत ज्यादा वरी नहीं होना चाहिए इन एरियाज पे जो लीस्ट डिस्ट्रिक्ट आके हैं, बट जो वल्नरेबल हैं उन पे हमें फोकस करना पड़ेगा जिनकी पॉवर्टी मोर देन 50, हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है।